हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, फिफ्थ बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। कल हिंदी का पेपर है, तो मैं कुछ उसके लिए कुछ प्रश्न क्वेश्चन लेकर आई हूँ, इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से उसे आज हम सॉल्व करते हैं। देखेंगे, आधा पेपर में इससे पहले तैयार कर चुकी हूँ, वो आप जरूर देखें। हमारा क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या रिक्त स्थानों की? बेटा के पास जाकर रोने लगा। बेटा किसके पास जाकर रोने लगा था? माँ के पास। क्या आ जाएगा? माँ के पास जाकर रोने लगा माँ। देखिए, आपको सबसे इजी बात क्या है, आपको इनमें से देखकर लिखेंगे तो आपकी मात्राओं की मिस्टेक नहीं होगी। हिंदी में बहुत मात्राओं की मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसलिए ये मात्राओं की मिस्टेक ना हो, इसके लिए ये जरूरी है कि आप यहां से देखकर लिख लें। देवताओं ने एक क्या सोचा? उपाय सोचा। नेक्स्ट है, बुरी बात है गंदगी सफाई। बुरी बात क्या होती है? गंदगी। बुरी बात है गंदगी। उसने अपना चालू रखा, लड़के ने अपना क्या चालू रखा था, जिसको राजा बनना था, स्वप्न की बात देखी थी, तो क्या चालू रखा? अध्ययन। अध्ययन क्या चालू रखा? अध्ययन चालू रखा। मनुष्य एक प्राणी है, आधुनिक सामाजिक। कैसा प्राणी है मनुष्य? एक सामाजिक प्राणी है। अरे गर्मी में सूर्य चमकता है, कम चमकता है तेज चमकता है? गर्मी तभी चली रही है तो आप बताइए कैसे चमकता है? तेज। वेरी गुड, तेज चमकता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को एक वचन में लिखिए। एक वचन, दवाइयां। तो हमारा जब हम बहुवचन बनाते हैं, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाती है, ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। और बड़ी की मात्रा यदि हम एक वचन बना रहे हैं, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में बदल जाएगी। दवाइयां, तो यहां क्या हो जाएगा? दवाई। ये देखिए यहां पर छोटी ई है, छोटी ई किसमें बदल गई? बड़ी ई में। ऐसे ही मिठाइयां, मिठाई। सवारियां, सवारी। फुलवारियां, फुलवारी। तैयारियां, तैयारी। सलाइयां, सलाई। ये देखिए यहां पर मात्रा ही चेंज हुई है और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। दवाई, मिठाई, सवारी, फुलवारी, तैयारी, सलाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को उनके विपरीतार्थक शब्दों से मिलान कीजिए। विपरीत मतलब विलोम शब्दों से मिलान करना है हमें। खाली का क्या हो जाएगा? भरा। तो यह नंबर हम डाल देंगे 1। अनुज का क्या हो जाएगा? अनुज, अग्रज। थर्ड है सरल का क्या हो जाएगा? कठिन। योग्य का अयोग्य, जय का पराजय, शांत का अशांत। ये हमारा हो गया मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आप नंबर डालेंगे तो ही सही है। नेक्स्ट हमारा, एक शब्द में उत्तर दीजिए। लोकतंत्र का दिवस, लोकतंत्र का दिवस कौन सा होता है? 26 जनवरी। रंगों का त्योहार कौन सा होता है? होली।
संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग क्या होता है? राग मल्हार। राग मल्हार। आजादी का दिवस कौन सा है? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए शब्दों में, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जब हम बेटा सेंटेंस बनाते हैं तो हमें एक बात खास ध्यान रखनी पड़ती है, एक बात ये होती है कि हमारा जो सेंटेंस दे रखा है, जो शब्द दे रखा है, वो हमारा सेंटेंस में आना चाहिए। बेटी है तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये लिख सकते हैं। या मैं मेरे माता पिता की लाडली बेटी हूं, इकलौती बेटी हूं, कुछ भी। पेड़ से क्या बनेगा? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट है हमारा आदर। आदर से क्या सेंटेंस बनेगा? हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट है खाना। हमारा भोजन या मैं खाना खा रहा हूं, मम्मी अच्छा खाना बनाती है, माँ ने स्वादिष्ट खाना बनाया, स्वादिष्ट खाना बनाया। नेक्स्ट है हमारा शेर। शेर से क्या वाक्य बनेगा हमारा? शेर जंगल का राजा होता है, शेर जंगल का राजा होता है। ये हमारे वाक्य हो गए। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग करना है मुहावरों का तो हमें क्या करना होता है? जो हमारा मुहावरा दिया गया होता है वो मुहावरा वाक्य में प्रयोग करते समय वाक्य में अर्थ प्रयोग नहीं करते, हम मुहावरे को ही प्रयोग में लेते हैं। आग दिखाना, मैं कक्षा में कम अंक लाया, लाया तो माँ ने आंख आंख दिखाई। नेक्स्ट है करवट बदलना। करवट बदलना, जब कभी हमें टेंशन होती है, मेरी परीक्षा कल, मेरी परीक्षा थी, मैं सोचते सोचते सोचता रहा और करवट बदलता रहा। नेक्स्ट है 9-2-11 होना, भाग जाना, चोर
कर नौ दो ग्यारह हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नजरें चुराना। स्कूल से मेरी शिकायत घर मैंने गलत काम किया, मैंने चोरी की तो मैं नजरें चुराने लगा। आने वरना शब्द बनाइए। ना उपसर्ग लगाकर ना काम तो क्या हो जाएगा, नाकाम। नादान, नाबालिग, नाकारा। ये हमारे शब्द हो गए ना उपसर्ग से। कार प्रत्यय लगाकर चार नए शब्द लगाइए। चार प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। क्या हो जाएगा, उपकार, उप प्लस कार, उपकार। और क्या हो जाएगा, चमत्कार, चमत् प्लस कार, चमत्कार। उपकार, अधिकार, प्रतिकार, ये हमारे हो गए नए शब्द। प्रत्यय लगाकर उपकार, प्रतिकार, चमत्कार, अधिकार। अब हमारा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये विशेषण शब्दों से हमें क्या वाक्य बनाने हैं। सज्जन राम बहुत सज्जन व्यक्ति है। नेक्स्ट आता है नमकीन। मुझे नमकीन अच्छी लगती है। बेटा एक बात ध्यान रखना चाहिए, सेंटेंस को बिल्कुल सरल रूप में बनाना है। जितना सरल सेंटेंस होगा उतनी ही कम मिस्टेक्स होंगी, आपकी गलतियां कम होंगी मात्राओं की। कमजोर
कम कमजोर लड़का है, पढ़ाई में कमजोर ऐसे लिख सकते हैं। पढ़ाई में कमजोर है, चालाक लोमड़ी चालाक होती है। ये हमारे सेंटेंस बनाते समय देखिए आप, ये सारे वर्ड्स आए हैं, चालाक, कमजोर, नमकीन, सज्जन। तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें जो हम जिससे सेंटेंस बना रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं, वो हमारे उस शब्द उसके सेंटेंस के अंतर्गत आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखने हैं। आपको ये पता होना चाहिए लिंग क्या होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। जो स्त्रीलिंग होगा हमें उसको पुल्लिंग में बदलना है, पुल्लिंग होगा हमें उसको स्त्रीलिंग में बदलना है। तो लिंग होता है महिला का, क्या हो जाएगा, पुरुष। हाथी का क्या हो जाएगा, हथिनी। राजा का रानी, नौकरानी का नौकर, नौकरानी का स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग में क्या जाएगा, नौकर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ग पहेली। बेटा ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, इस वर्ग पहेली में से सेंटेंस बनाना है, उसका आंसर देना है। हमारा क्वेश्चन है संसार का समानार्थी। संसार का समानार्थी क्या होता है, समानार्थी मतलब समान अर्थ वाला या पर्यायवाची, जिसको हम बोलते हैं पर्यायवाची। संसार का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए बन रहा है जग, तो हम वहां क्या लिख देंगे, संसार का पर्यायवाची वहां क्या लिख देंगे हम, लिख देंगे जग। भ्रष्टाचार का सूचक शब्द, भ्रष्टाचार का सूचक शब्द क्या होता है, गबन, गबन। तो हम वहां पर क्या लिख देंगे, गबन। बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि इनके आंसर आपको पता होना चाहिए, तभी आप देखेंगे ये बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको मिल ही जाएंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, कोशिश करनी पड़ी है। एक पालतू जानवर, एक पालतू जानवर बताइए इसमें क्या है, क्या बन रहा है, जगत, बकरी, मीक, मीन, कुछ ऐसे। अब क्या पालतू जानवर क्या है, बकरी, बकरी, बकरी एक पालतू जानवर है, तो हम वहां क्या लिख देंगे, बकरी। अब नेक्स्ट है हमारा पानी में रहने वाला, पानी में कौन रहता है, मछली रहती है ना। अब यहां पर मछली नहीं दे रखा, मछली का पर्यायवाची क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है, मछली का पर्यायवाची होता है मीन, तो वहां क्या उत्तर आ जाएगा आपका, मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आसमान का एक अन्य नाम, आसमान का एक अन्य नाम क्या होता है, आकाश होता है, तो हम क्या बोलते हैं, आकाश, नभ, गगन, अंबर। अब इसमें आकाश तो कहीं भी नहीं है, तो हमको क्या दिख रहा है, नभ, तो क्या हो जाएगा, नभ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खट्टा व्यंजन, या खट्टा व्यंजन नहीं आएगा, यहां पर खट्टा व्यंजन इसमें कहीं भी नहीं दे रखा, तो क्या आ जाएगा यहां पर हमारा, कड़वा व्यंजन। यहां क्या है, खट्टा की जगह
एम कौन सा होता है इसमें? देखो ये बन रहा है करेला, क्या हो जाएगा यहां पर? करेला। अब है नेक्स्ट हमारी एक वर्ग पहेली और दे रखी है, वर्ग पहेली में वर्णित, ये दूसरी वर्ग पहेली है, ये देखेंगे। एक फल का नाम, अब ये बताइए इसमें क्या बन रहा है? एक फल का नाम आम। एक लड़के का नाम क्या बन रहा है? आम। पवन, पवन भी हो सकता है, पवन। एक लड़के का नाम क्या बन रहा है? पवन। बिंदी के नीचे का अर्थ, बिंदी के नीचे एक अंश होता है और उसको नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर। तो क्या हो जाएगा? हर। अब है हवा का पर्यायवाची, हवा का पर्यायवाची क्या होता है? हवा का पर्यायवाची भी क्या होता है? पवन। हम इसमें अब आपने देखा, अब इसमें हम पवन नाम नहीं लिख के हम क्या लिख सकते हैं? रमन, रमन। एक व्यक्ति के नाम में क्या आ सकता है इसमें? हम इसमें रमन लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा? रमन। माता का घर क्या होता है? पियर। मम्मी कहती है ना पियर जा रही हूं, तो क्या हो जाएगा? पियर। लिखने का साधन कलम। ये आ गया लिखने का साधन कलम, ये होती हमारी वर्ग पहेली पूरी। अब इसके बाद हमारा आता है चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र क्या थे? कौन सा चित्र है ये, कोई बता सकता है? कबड्डी। ये बच्चे क्या खेल रहे हैं? कबड्डी खेल रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विद्यार्थी कौन सा खेल खेल रहे हैं, तो यहां क्या लिख देंगे हम? कबड्डी। विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को किस नाम से पुकारा जाता है? रेडर। पाला क्या होता है? कबड्डी कोर्ट को हम पाला कहते हैं। क्या होता है पाला? कबड्डी कोर्ट को हम क्या कहते हैं? पाला कहते हैं। अब इनके बारे में आप क्या समझते हैं? कैचर, निर्णायक, कोर्ट, रेडर। कैचर, विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को तो रेडर कहते हैं, ये तो यही आ जाएगा। विपक्षी पाले में जाने वाला खिलाड़ी, और कैचर क्या होता है? कबड्डी देने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णायक, निर्णय करने वाला। कबड्डी कोर्ट को, खेलने के मैदान को। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, अमीर बाप के बेटे ने सेठ का संदूक क्यों उठाया? चार आने कमाने के लिए। क्यों उठाया था?
चाहिए। नेक्स्ट है, घर घर तिरंगा किस दिन लहराता है? कविता में आता है आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, तो तिरंगा किस दिन लहराता है घर घर भी? आजादी के दिन लिख सकते हैं या स्वतंत्रता दिवस लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे आजादी के दिन। नेक्स्ट है, सत्य बोलना किस प्रकार की तपस्या है? अखंड। भगिनी विधता का लालन पालन किसने किया? हैमिल्टन ने। स्वर्ण नगरी को दर्शनीय स्थलों के नाम? रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर। अब यह पन्ना का है, ने उदय सिंह को किस प्रकार बचाया? पत्तलों के टोकरे में। छिपाकर महल के दूसरी तरफ भेज दिया। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता द्वारा चुनी सरकार को। चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। अब देखेंगे, अब हमारा आता है यहां पर गद्यांश। बेटा गद्यांश भी बहुत आसान होता है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। गद्यांश हमें पहले हमें गद्यांश को समझने के लिए उसे दो तीन बार पढ़ना होगा, आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए, पढ़कर फिर उसके प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। हमारा गद्यांश है, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने को कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे चार आने दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? चार आने दूंगा। अब ये क्या है? गद्यांश। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर इसी में से देखकर लिखने हैं। गद्यांश प्रश्न जो होते हैं, प्रश्न की लाइन अधिकतर उसमें मिल जाती है। देखिए, अनुभवी पिता ने लड़के से क्या कहा, ये पहली लाइन ही है। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटे के बारे में, पिता ने बेटे से कहा, यहां से आ जाएगा, प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। ये हमारा पहले का उत्तर हो जाएगा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। आप पहले क्या करेंगे, गद्यांश को पढ़कर उसमें निशान लगा लेंगे, पहले का उत्तर ये है। सेकंड है, विवश होकर बेटे ने क्या किया? अब देखिए इसमें भी है लाइन, बेटा सुस्त बैठा रहा, विवश होकर, ये रे यही लाइन इसमें मिल गई, विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। ये हमारा क्या हो गया? सेकंड का उत्तर हो गया। अब थर्ड, सेठ ने लड़के को क्या काम दिया? ये भी है, सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे चार आने
दूंगा। ये हो गया हमारा तीसरे का उत्तर। अब है लड़के की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे, क्योंकि देखो ये भी यहीं पर है, उसने लड़का उसकी आंखों से लड़के उसकी की जगह क्या जाएगा लड़के, लड़के की आंखों से आंसू बहने बहते रहे क्योंकि कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। ये हमारा फोर नंबर का आंसर हो गया। ये हो गया हमारा गद्यांश पूरा। अब नेक्स्ट आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो कि हमारी कविताओं से रिलेटेड है। कविताएं आपको याद होगी तो कविताएं आपको ये सेंटेंस पूरे कर सकते हैं, दोनों पूरे कर सकते हैं। रहीमन बाबा का मत तो हो चुका है, क्या क्रोध का या प्रेम का? ये प्रेम का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, रहीमन बाबा प्रेम का मत तोड़ो छिपका है, इस धरती को क्या बनाए नरक स्वर्ग, तो स्वर्ग क्या आ जाएगा स्वर्ग बनाए। लड़का लापरवाह आलसी और निर्लज था, लड़का कैसा था, लापरवाह था या आलसी था, आलसी और निर्लज था। यह धरती जो माहे अपनी, क्या जाएगा माहे अपनी हमें जान से प्यारी है, उदय सिंह की देखभाल कौन करता था, पन्ना धाय। उदय सिंह की देखभाल कौन करता था, पन्ना धाय। बहनों का त्योहार कौन सा है, राखी। अब फिर से हमारी वर्ग पहेली आ जाती है, वर्ग पहेली देखेंगे। इसमें पूछा एक पक्षी का नाम, पक्षी तो क्या जाएगा मोर। नेक्स्ट है जंगल का राजा शेर। कठिन का विपरीत, विपरीत माने आपको मैंने बताया था विपरीत का अर्थ विलोम शब्द, कठिन का क्या जाएगा सरल। खारा कड़वा पदार्थ, खारा पदार्थ क्या होता है लवण, लवण का मतलब होता है नमक, खारा होता है ना नमक, लवण। वायु का समानार्थी पवन। ये तो वर्ग पहेली पूरी, एक वर्ग पहेली और है। त्योहार का नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसमें दिख रहा है राखी। मीठा व्यंजन, मीठा व्यंजन क्या है खीर। नेक्स्ट है जंगली जानवर क्या होता है सियार। अपना का पर्यायवाची, अपना का कौन होता है पराया, सॉरी अपना का पर्यायवाची पूछा है, अपना का क्या होगा, अपना का यहां पर अपना का पर्याय नहीं होगा, यहां विलोम होगा पराया। बूंदों की आवाज टप टप। रहने का स्थान क्या होता है घर। ये हमारी वर्ग पहेली पूरी हुई। अब फिर हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आंसर है। किस मिट्टी में पैदा होना हमारे लिए गर्व की बात है, भाई हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा होना हमारे लिए गर्व की बात है, क्या जाएगा हिंदुस्तान की मिट्टी में। नेक्स्ट है बालक
अपनी मेहनत की कमाई का महत्व कब समझ में आया? जब उसने मेहनत करके चार आने कमाए। संत महात्मा का स्वभाव कैसा था? दयालु। बहन अपने भाई को राखी कब बांधती है? रक्षाबंधन पर। अपनी रक्षा का वचन लेती है रक्षा के लिए। इसको हम क्या कहते हैं? रक्षा सूत भी बोलते हैं। इसीलिए भोजन में हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? पौष्टिक। एक सदाचारी व्यक्ति के गुण है बड़ों का आदर करना। प्रेम का धागा एक बार टूट जाने पर क्या होता है? गांठ पड़ जाती है। अपने पसंदीदा तीन खेलों के नाम कोई सा भी लिख सकते हैं। क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी। किताबें किस किस की बातें करती है? आज की, कल की, वे बीते एक एक पल की। नेक्स्ट है हवेली में घरों की नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। दासी पुत्र बंदीर ने क्या किया? नाच रंग की, नवरात्र में नाच रंग की योजना बनाई। नेक्स्ट है निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखने हैं। शरबत, शरबत कैसे लिखते हैं? मार्ग, मुकाबला, पहुंचना, देखिए विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो। कदाचार, सदाचार। विश्वास, अविश्वास। गुण, अवगुण। भला, बुरा। अब आप विभिन्न सर्वनाम शब्दों को ढूंढकर लिखिए। देखिए उस उसने उनसे उसमें, ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। उसने उनसे। सदाचारी व्यक्ति किन परिस्थितियों में बिजली नहीं होते हैं? देखिए इसमें सदाचारी विपत्तियों के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित नहीं होते। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
विपत्तियों तथा प्रतिकूल परिस्थिति में विपत्ति तथा प्रतिकूल परिस्थिति में सदाचारी व्यक्ति विचलित नहीं होते। सफलता प्राप्त करने का मार्ग क्या है? देखिए इसमें लिखा है सदा दूसरों बराबर लोग सभा या समुदाय सदाचार युक्त सदाचार सफलता का मार्ग है। व्यक्ति मंजिल तक पहुंचाता है। सफलता प्राप्त करने का मार्ग कौन सा है? सदाचार। सदाचार सफलता का मार्ग है। नेक्स्ट हमारा आता है दोहे पंक्ति को पूरा करो। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। संपत्ति संपत्ति संचय सुजान कई रहीम पर काज हित। क्या है? रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। टूटे से फिर ना जुड़े गुरु। कौन सा अपना कौन अपना फल खुद नहीं खाता है? तुकबंदी वाले दो शब्द बताने हैं। तुकबंदी का मतलब होता है रहीम। देखिए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े टूटे जुड़े 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 गांठ पर जाए। तरोवर फल नहीं खाते सरोवर पिए ने पान। कह रहीम पर काजित संपत्ति संचयी सुदान। संपत्ति और संचयी दोनों शब्द जाएंगे यहां पर। पति संचयी और एक हो जाएगा छिटकाए पड़ जाए। काय पड़ जाए। अब नेक्स्ट है टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ में पड़ जाएगा। क्या अर्थ है? टूटे से एक बार रहीमदासी क्या कहते हैं? रहीमदासी कहते हैं एक बार प्रेम रूपी धागा टूट जाने पर वो दोबारा नहीं जुड़ सकता है। यदि उसे जोड़ने की कोशिश की जाए तो उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम रूपी धागा धागा एक बार टूटने पर नहीं जुड़ता जोड़ने पर जुड़ता जोड़ने पर गांठ जाती है। कौन अपना फल कुछ खुद नहीं खाते हैं? देखिए उसमें दे रखा है तरुवर फल नहीं खाते सरवर पिए ने पान। मतलब कौन नहीं खाता? तरुवर। तरुवर मनी वृक्ष पेड़। तरुवर अपना फल खुद नहीं खाता है। तरुवर
अपना फल स्वयं नहीं खाता है। अब है निम्न शब्दों के अर्थ बताइए। तरुवर का अर्थ क्या होता है? पेड़ या वृक्ष, तो क्या लिखेंगे? पेड़। काज काम, सरोवर नदी या सरोवर। सुजान सज्जन, निबंध आते हैं। किसी एक विषय पर निबंध लिखो। होली, होली पे निबंध आता है, तो हमें सबसे पहले होली पर निबंध लिखने से पहले यह देखना पड़ेगा, यह लिखना पड़ेगा कि होली कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, सबसे पहले कब आती है इसकी होली। होली को रंगों का त्योहार कहते हैं। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसके पीछे की कथा लिखनी है। होलिका हिना कश्यप की बहन थी होलिका, जिसको भी आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। हिना कश्यप ने प्रहलाद को होलिका की गोद में जलाने के लिए बिठा दिया था, लेकिन इस समय होलिका गलत विचार से, प्रहलाद जो कि भगवान का भक्त था, उसने गलत विचार से बैठी थी, तो उसमें क्या हुआ, बुराई की हार हुई और अच्छाई की जीत हुई। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार है। होली दो दिन तक मनाई जाती है। पहले दिन हम क्या करते हैं, रंगों से होली को, सॉरी होली का दहन करते हैं। दूसरे दिन रंगों के द्वारा होली खेली जाती है। सभी रंग बिरंगे गुलाल एक दूसरे के लगाते हैं, गले मिलते हैं, भाईचारे का त्योहार। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र हम कैसे लिखते हैं, देखिए। अब जैसे इसमें दे रखा है, आप पी एन श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय तोशीना के विद्यार्थी लक्षिता राजवीर हैं। आपके लक्षिता एक लड़की का नाम है और राजवीर लड़के का नाम है। तो हमें आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया है, अतः आप प्रधानाचार्य जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। प्रार्थना पत्र लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इसी में से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। देखिए पहली हमारी लाइन होती है, देखिए मैं यहीं पर लिखकर बताती हूं आपको प्रार्थना पत्र कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले इसी में दे रखा है, सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में। अब यहीं पे आ जाएगा, यहां पर हमारा दे रखा है प्रधानाचार्य जी को स्थानांतरण के लिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। अब विद्यालय का नाम भी इसी में दे रखा है, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय श्री महात्मा गांधी। देखो मैं तीनों लाइन यहीं से मिल गई क्वेश्चन में से ही, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय। अब क्या तोशिनी, तोशनी जगह का नाम है, तो क्या आ जाएगा यहां पर,
रोशनी। ये हमें सारा का सारा इसी क्वेश्चन पेपर में से मिल गया। ये आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि 2-2 मार्क्स में डिवाइड होता है। इतना आप यदि कर देते हैं तो इसके 2 मार्क्स। अब क्या यहां पे आ जाएगा, इसके बाद विषय। विषय में आप क्या लिखेंगे, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। क्या जाएगा विषय है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र का मतलब समझते हैं आप। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट। पिताजी का ट्रांसफर जयपुर से अजमेर हो गया है। स्थानांतरण मतलब तबादला, हिंदी में बोलते हैं तबादला। तो स्थानांतरण मतलब स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन। तो मेरे स्थानांतरण प्रमाण पत्र। अब ये बीच का जो मैटर है लिखेंगे, यहां पर विषय आ गया महोदय जी। अब क्या लिखना है, मेरे पिताजी का स्थानांतरण, वो भी आपको यहीं से मिल रहा है। देखिए सारा आपका जो प्रार्थना पत्र है पूरा यहीं से लिखना है। आपका की जगह क्या लिख देंगे, मेरे पिताजी का स्थानांतरण। देखिए बस इतना सा लिखना है। निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जयपुर से, बीच में बस आपको क्या लिखना है, जयपुर से अजमेर हो गया है। मैं मेरी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूं, मैं मेरी पढ़ाई रखना चाहता हूं, इसलिए मुझे टीसी, जिसे टीसी बोलते हैं, टीसी देने की कृपा करें। हो गया, इसी के नहीं आ जाएगा, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी। लड़के क्या लिखेंगे, शिष्य, और लड़कियां क्या लिखेगी, शिष्या। ठीक है, अब आपको नाम कहां दे रखे हैं, यहां पर ही दे रखे हैं, लक्षिता। लड़कियां लिखेंगी लक्षिता और लड़के लिखेंगे राजवीर। शिष्य पहले है तो हम लिखेंगे यहां पर राजवीर, और लड़कियां क्या लिखेगी, लक्षिता। आपको प्रार्थना पत्र में कहीं भी परेशानी आनी ही नहीं चाहिए। सारा का सारा आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं, बस अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा ये मैंने आपको अभ्यास भी करवाया है, पहले भी अभ्यास कराया है, तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं। और पूरे 6 नंबर, 6 नंबर का है, 6 के 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखेंगे, आई हो कि आपको प्रार्थना पत्र लिखना समझ में आ ही गया होगा, सारा इसी में से देखकर।
अब हमारा एक आता है, छह नंबर की आती है कहानी। कहानी जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, ये है। एक आती है प्यासा कौआ। प्यासा कौआ, एक कौआ था, वो बहुत ही प्यासा था, है ना। वो रास्ते में पानी, मतलब वो प्यासा था तो रास्ते में गया पानी की तलाश में, इधर उधर देखा, उसने देखा एक मटका रखा था, मटके में थोड़ा सा पानी था। अब उसने थोड़ा सा पानी देखकर क्या था, ये मैं कैसे पीऊंगा। उसके दिमाग में विचार आया कि इन कंकड़ों को उठाकर मैं इसमें डाल दूं तो पानी ऊपर आ जाएगा। उसने अपना बुद्धिमानी दिखाई और उसने उसमें कंकड़, एक एक करके कंकड़ डाला, पानी ऊपर आ गया। कौए ने पानी पिया और पानी पीकर वो क्या हो गया, उड़ गया। तो इसलिए जहां चाह, शिक्षा जरूर लिखना, शिक्षा क्या है, जहां चाह वहां रहा। क्योंकि उसको पानी पीना था, मट्टी में मिला पानी, बहुत ही प्यासा था। उसने क्या कहा कि अरे ये पानी है तो मुझे मिला है, तो अपनी बुद्धिमानी दिखाई, बुद्धिमानी दिखाकर वो पानी को उसने ऊपर लाया, ऊपर लाया, पिया और वो उड़ के चला गया। तो ये हमारी होती है कहानी। कहानी भी हमारी कितने नंबर की आती है, 6 मार्क्स की आती है। लाइन बनाकर लिख सकते हैं, चाहे पैराग्राफ में लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये हुआ पेपर पूरा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं जहां तक समझती हूँ, कल आपका पेपर है, आप ये वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। धन्यवाद।